रशिया के साथ अगर हम यूक्रेन का देखें तो वहां हमारे स्टूडेंट्स रो रहे हैं, पीट रहे हैं, इंडिया वाले तो अपने स्टूडेंट्स ले गए। की वजह यह है कि पैसा ही नहीं है, इंडिया इसलिए लेके गया कि उनकी इकोनॉमी है, फ्रॉड करते हैं। पाकिस्तान की एम्बेसी है, उसने एक ट्वीट किया हिंदी में, लबोलुबाब यह था, हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, जब हमारे बच्चे इंडिया का फ्लैग लगा के यूक्रेन से निकल रहे हैं तो पैसे भी इंडिया से ही ले लो। कोई इमरान खान को, इमरान खान जाकर के वहां पे चाय वाय पी के आया, 3 घंटे मीटिंग करके आया, कुछ तो हुआ नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक फोन कॉल पे ये गेम खेल दिया, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक फोन कॉल पे कर सकते थे, इमरान खान वहां खड़े थे। पाकिस्तान की ग्लोबली बहुत खराब है, तो इस वजह से उनको लगा कि भारत का झंडा इसमें लगा है, आके हम बैठ जाएंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे। टर्की की भी बहुत अच्छी रिपोर्टेशन ग्लोबली नहीं है कि भारत के लड़कों ने भी उनको वेलकम किया, भारत के लड़कों ने भी कहा कि जगह दी, आइए हम आपको भी बचाते हैं। अल्जीरिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, उसने एक ट्वीट किया, ट्वीट ये किया कि भाई एम्बेसीज ऑर्डर टू डाइवर्ट फंड्स, मतलब उनका हिंदी में लबोलुबाब, मैं अभी अंग्रेजी में बताऊंगा, हिंदी में लबोलुबाब ये था कि आप हमें फंड्स देने के लिए बोल रहे हो, हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, जब हमारे बच्चे इंडिया का फ्लैग लगा के यूक्रेन से निकल रहे हैं तो पैसे भी इंडिया से ही ले लो। ये अल्जीरिया के एम्बेसी ने ट्वीट किया। रशिया के साथ अगर हम यूक्रेन का देखें तो वहां हमारे स्टूडेंट्स रो रहे हैं, पीट रहे हैं, इंडिया वाले तो अपने स्टूडेंट्स ले गए। उनकी बेशुमार वीडियोस मैंने खुद देखी हैं कि जहां पे वो बसों में भर के अपने स्टूडेंट्स को हिफाजत से पहुंचा रहे हैं इंडिया के लोग, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की वीडियोज आ रही है, वो कह रहे हैं कि जी हमारी एम्बेसी जवाब ही कोई नहीं दे रही। वो ठीक जवाब नहीं दे रही, उसकी वजह यह है कि पैसा ही नहीं है, मदद क्या करे, पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है, इंडिया इसलिए लेके गया कि उनकी इकोनॉमी है, फ्रॉड करते हैं। यही तो हमें, मुझे और आपको मिलकर सोचना है कि ये जो हमारी अशराफिया की ये जो जाली, ये जो है ना, ये अकड़ी हुई गर्दने, हम ये तो हम वो, तो पैसा पल्ले है कुछ नहीं, मतलब स्टूडेंट्स को निकालने के लिए भी इनके पास लड़ाई आपने दुनिया के हर मुल्क से करनी है, खुद मुख्तारी, सलामती, मतलब एक नाम लेकर। ये तो खैर बैडली मैनेज था, देखिए इनको तो खैर निकालना, कोई इतना फंड्स ट्रांसफर कर देते जो इन्होंने नहीं किए, लेकिन एक्चुअल हालत ये है कि हमारी एम्बेसियों और हाई कमीशन के पास कोई फंड नहीं होते इतने, तो जब नहीं है पैसे दूसरों से मांगने हैं तो भाई हकीकत की दुनिया में आके देखना शुरू कर। पाकिस्तान हाई कमीशन का यूक्रेन में फंसे तलबा से फिर हाथ, तलबा बियारो मददगार महफूज मकाम के लिए मुंतजर। तलबा का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारतखाने के अहलकार ने महफूज मकाम पर पहुंचने का झांसा दिया, बस में बैठाकर नारे लगवाए और कुछ दूर जाकर उतार तो रिसीव कर लिया गया। एम्बेसडर वो ब्रिगेडियर भेजा था उधर, उसने रिसीव करके बस में बैठाया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी बहनी भी हमारे साथ है, सारे खड़े है इधर, बहुत ज्यादा ठंड है। उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और फिर उसके बाद बस में बिठा के कुछ दूर ले जाके हमें उतार दिया। अभी हम 8-9 घंटे से यहाँ पे पैदल चल रहे हैं, 60-65 किलोमीटर के बाद हमें अब वहाँ से दूसरे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि बॉर्डर पे हमें नहीं जाने दे रहे। एम्बेसडर कॉल पे बता रहे पोलैंड वाला कि हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद से तो जान नहीं बचती है, पाकिस्तान का झंडा तो जान नहीं बचा पा रहा था, तो जो उसकी जान बचा रहा है उसके लिए तो सबसे ऊपर वही है। भले ही वो पाकिस्तान पहुंच के पलट जाए और बोले कि हमने तो पाकिस्तान फ्लैग यूज किया, वो ये भी बोल सकते हैं हमने तो मार्स का फ्लैग यूज किया। फैक्ट क्या रहेगा? फैक्ट यही रहेगा ना कि वो उस समय भारत माता की जय बोल करके और इंडिया का फ्लैग यूज करके आए। कोई इमरान खान को, इमरान खान जाकर के वहां पे चाय वाय पी के आया, 3 घंटे मीटिंग करके आया, कुछ तो हुआ नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक फोन कॉल पे ये गेम खेल दिया, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक फोन कॉल पे कर सकते थे, इमरान खान वहां खड़े थे, पुतिन के साथ गले मिल रहे थे, वो ये काम करा सकते थे। क्यों? ये तो गेहूं खरीदने गए थे ना, इनके लिए गेहूं खरीदना, भाई पूरी कंट्री भूखा मर जाए, उससे अच्छा 600 स्टूडेंट मरे क्या फर्क पड़ता, 2-2.5 हजार लोग मर जाए क्या फर्क पड़ता है। ये पूरा क्षेत्र जो है ये भारत का बहुत पुराना, भारत का इसके संबंध रहा है। जब ये सोवियत यूनियन का हिस्सा होता था तब भी भारत के रिश्ते यूक्रेन और आसपास के जो देश थे, पोलैंड हो या हंगरी हो, चेकोस्लोवाकिया हो, इन सब देशों से अच्छे थे, और भी बहुत से छोटे छोटे रिपब्लिक्स जो थे या देश थे जो सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे, भारत ने सभी से, चाहे वो सेंट्रल एशिया के हों जो अब आज़ाद हो गए सोवियत यूनियन टूटने के बाद, या ये देश, ये भी सोवियत यूनियन का पार्ट था बाद में आज़ाद हुए, भारत का झंडा बस में लगा के जब ये लोग निकले तो
लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी भारत की। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की छवि बहुत खराब है, पाकिस्तान ग्लोबली बहुत खराब है, पाकिस्तानियों के लिए भी, लोगों की भी और गवर्नमेंट की भी। तो इस वजह से उनको लगा कि भारत का झंडा इसमें लगा है, आके हम बैठ जाएंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे। टर्की की भी बहुत अच्छी रिपोर्टेशन ग्लोबली नहीं है, यूरोप में भी नहीं अच्छी है। हालांकि टर्की के ऑफिशियल लेवल पे रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन ये कि आम जनता में यूक्रेन की बहुत ज़्यादा समर्थन टर्की की तरफ नज़र नहीं आता है। उन्हीं को चलते हुए मैं समझता हूँ कि वो बैठे। दूसरी तरफ ये कि भारत के लड़कों ने भी उनको वेलकम किया, भारत के लड़कों ने भी कहा कि जगह दी, आइए हम आपको भी बचाते हैं। हम लोग का एक मिजाज है भारतीयों का, वो यही है कि सबको साथ लेके चलो, सबके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। और इस मुसीबत की घड़ी में वो भी इंसान है, उनको भी जरूरत है बचने की।